जज साहब, मुझे मां बनना है, मेरे पति को छोड़ दीजिए। कलेक्टर ने नहीं सुनी तो जज के पास पहुंच गई महिला। जज के ऐतिहासिक फैसले पर बजती रही तालियां। कुछ दंपति माँ बाप इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि या तो उनके पति या फिर पत्नी जेल में सजा काट रही होती है। ऐसे में उनकी ख्वाहिशें धरी की धरी रह जाती हैं। लेकिन एक ऐसा फैसला आज हम आपको बताने जा रहे हैं जहां आपको ये लगेगा कि पिता या माँ बनने का हक सभी को है। किसी की चंद सेकंड की गलती अगली पीढ़ी पर भारी ना पड़े, ये देखते हुए हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल राजस्थान में एक महिला की गुहार हाईकोर्ट ने सुनी और उसके पति को पेरोल दे दी। दरअसल महिला की दलील थी कि वो माँ बनना चाहती है और उसका पति जेल में सजा काट रहा है। ऐसे में उसके माँ बनने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने महिला के पति को पेरोल दे दी है। जानकारी के अनुसार भीलवाड़ा जिले के रबाड़ियों की ढाणी का रहने वाला एक शख्स फरवरी 2019 से अजमेर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नंदलाल नामक इस शख्स को जब सजा हुई तो उसी के कुछ वक्त पहले उसकी शादी हुई थी। इसी बीच पत्नी ने कलेक्टर से नंदलाल को कुछ वक्त के लिए पैरोल देने की गुहार लगाई, लेकिन कलेक्टर ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद महिला ने हाईकोर्ट का रुख किया। जोधपुर हाईकोर्ट में महिला ने कहा है कि उसका पति जेल के सभी नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन कर रहा है। वो प्रोफेशनल अपराधी नहीं है, इसीलिए उनके व्यवहार को देखते हुए व मेरे अधिकार का ध्यान रखते हुए उन्हें 15 दिन की पैरोल दी जाए। जज संदीप मेहता व फरजंद अली की खंडपीठ ने इस मामले पर कहा है, वैसे तो संतान उत्पत्ति के लिए पैरोल से जुड़ा कोई साफ नियम नहीं है, लेकिन वंश के संरक्षण के लिए संतान उत्पत्ति जरूरी है। कोर्ट ने ऋग्वेद और वैदिक काल के उदाहरण के साथ संतान उत्पत्ति को एक मौलिक अधिकार बताते हुए कहा है, पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से संबंधित यौन और भावनात्मक जरूरतों की रक्षा के लिए 15 दिन की पैरोल दी जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि धार्मिक आधार पर हिंदू संस्कृति में गर्भधान 16 संस्कारों में से एक है, ऐसे में इस आधार पर भी अनुमति दी जा सकती है।